भारत देश महान है और महान देश के पीछे लोग कहते हैं कि दान का बड़ा योगदान है। महान दान और योगदान। अब दान कैसा कैसा लोग आपने देखे होंगे, अपना फल फ्रूट से लेकर, गौ से लेकर, जगह जमीन से लेकर, पैसे से लेकर, तमाम तरीके के दान करते देखे हैं। लेकिन जिस दान की बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा दान आपने सोचा नहीं होगा। दान किडनियों का दान, आपकी जो किडनी है एक इंसान के शरीर की, उसके दान की एक खबर, उसके दान का एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और लंबे समय से वायरल हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रजत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दी ललन टॉप में आज एक खबर की पड़ताल करेंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि चार किडनियां एक इंसान के अंदर दो होती हैं। चार का मतलब कि दो लोगों की किडनियां, चार किडनियां दान के लिए अवेलेबल हैं और जिसको जरूरत है वो फला नंबर पर, नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल कर ले और वहां से किडनी कलेक्ट कर सकता है। दरअसल ललन टॉप देश में चुनावी यात्रा कर रहा है, साथ में फेसबुक के साथ मिलकर वर्कशॉप कर रहा है ताकि फेक न्यूज से बचा जा सके। हमारे साथी निखिल पहुंचे सुरेंद्र नगर गुजरात में। वहां पर उन्होंने एक वर्कशॉप की जहां वर्कशॉप अटेंड कर रहे श्याम शाह को एक खबर पर शक था। वो इस वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि किडनियां अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए, मतलब कोई बंदा चार किडनियां हैं वो डोनेट करना चाहते हैं तो आप फला नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ये दावा आपका नहीं है, दावा पुराना है, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि दावा कितना पुराना है और लोग कहाँ कहाँ पर इसे शेयर कर रहे हैं। आप इसे फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, इसे इसके अलावा व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है और यहाँ पर भी आप भाषा अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पर किडनियों के बारे में कहा जाए कि मेरे कुलीग की किडनीज हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी बैंक के कुलीग की किडनीज हैं, लेकिन एक नाम बड़ा पक्का है, नाम है सुधीर एंड हिज वाइफ। और यहाँ पर दूसरा जो नीचे एक नंबर है, नंबर भी फिक्स है, नंबर वही है और बाकी उसे हर तरीके का अपना कुलीग बता रहा है। खैर, हमने इस दावे की पड़ताल की, हमने इस दावे की सच्चाई जानी, लेकिन इससे पहले हम आपको वो दावा बता देते हैं एग्जैक्टली दावे में लिखा क्या जा रहा है। और उससे पहले आप श्याम शाह की ये बात सुन लीजिए कि उन्हें इस खबर पर शक क्यों है। हाय, आई एम डॉक्टर श्याम शाह, मैं एक फिजिशियन हूँ और सुरेंद्र नगर को ही बिलोंग करता हूँ। यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ और आज ललन टॉप का जो ये फेक न्यूज़ का वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, इट वाज क्वाइट फ्रूटफुल, बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। सो आई वॉन्टेड टू वेरीफाई एक फेक मैसेज की ऑथेंटिसिटी, मतलब ये मैसेज की ऑथेंटिसिटी, कि एक मैसेज अभी बहुत वायरल हुआ है कि कोई ब्रेन डेड पेशेंट अपनी किडनी डोनेट कर रहा है तो इमीडिएटली कोई रिसिपियंट हो, किसको किडनी की ज़रूरत हो तो ये नंबर पे कांटेक्ट करे। तो मैं द ललन टॉप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये न्यूज़, ये मैसेज की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करे। अब दावा जान लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि चार किडनियाँ दान हेतु अवेलेबल हैं। स्वर्गीय सुधीर बी पॉजिटिव, उनकी पत्नी ओ पॉजिटिव, ये उनका ब्लड ग्रुप है, तो उनकी पत्नी ओ पॉजिटिव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु से पूर्व उनकी इच्छा के अनुसार ये महत्वपूर्ण दान कोई भी प्राप्त कर सकता है। चिकित्सकों ने उनके मस्तिष्क को मृत घोषित कर दिया, यानी ब्रेन डेड बोल दिया है उन्हें। संपर्क कर लें इस नंबर पर। अब ये फेसबुक और ट्विटर पर भी ये जबर वायरल हो रहा है, मतलब भयानक तरीके से लोग इसे शेयर कर रहे हैं। अब ह्यूमन स्टोरी का ह्यूमन एंगल है, लोग इसे पसंद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि लोग इंसानियत के नाते उन्हें लग रहा है कि किसी के काम आ जाएगी और सोशल मीडिया का अपनी तरफ से वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक भाई साहब ने तो यहाँ पर फोटो भी डाल दी है, इस फोटो भी दिखा दी कि ये सड़क का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर उनकी ऐसी ऐसी मृत्यु हुई है तो उन्हें किडनियाँ उनकी अवेलेबल हैं। ये आप जो दावे देख रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं ट्विटर पर। तो हमने इस दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहला और सबसे मुफीद जो रीज़न बनता है वो चुना, जो इस नंबर की जो नंबर इसके साथ वायरल किया जा रहा है इस पूरे मैसेज के साथ, हमने उस नंबर पर कॉल किया। कॉल हमारा किसी ने रिसीव नहीं किया उस नंबर पर, लेकिन कॉल कटने के कुछ ही सेकेंड बाद एक मैसेज हमें आया जिस मैसेज में ये लिखा था, द पोस्ट रिलेटेड टू किडनीज अवेलेबिलिटी इज टोटली रॉन्ग, यानी किडनी की उपलब्धता के बारे में जो मैसेज किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और कुछ शरारती लोग इसे फैला रहे हैं, प्लीज इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर दें। अब ये लिखने वाला, ये मैसेज भेजने वाला कौन था? ये भेजने वाले थे डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग। डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग मेरठ में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी किडनी रोग के विशेषज्ञ हैं।
उनकी तरफ से हमें मैसेज हुआ, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था लेकिन हमें ये मैसेज उनकी तरफ से मिला। अब उन्होंने ये क्योंकि पुरानी खबर है तो इसके बारे में एक और फैक्ट चेक वेबसाइट ने इसके बारे में डॉक्टर संदीप से बात की थी। डॉक्टर संदीप गर्ग ने SM होक्सलेयर को बताया था कि 2017 से वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की लेकिन बाद में वो साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने के लिए चले गए। वो इस नंबर को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि पिछले 13 साल से उनके पास यही नंबर है, उनके ज़्यादातर पेशेंट्स के पास भी यही नंबर है। डॉक्टर गर्ग का मानना है कि ये किसी शरारती तत्व की करतूत है जो उन्हें परेशान करने के लिए ऐसी खबर फैला रहा है। वैसे इस तरीके के मैसेज को किसी भी तरीके से फैलाना अपराध है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 की धारा 19 के तहत मानव अंगों की कमर्शियल डीलिंग यानी उनका बिजनेस यूज जो है कमर्शियल डीलिंग व्यवसायिक डीलिंग करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। यानी आप यूं ही किसी के अंग नहीं बेच सकते, आप चाहे वो कमर्शियल है नॉन कमर्शियल, आप किसी के अंग के बारे में इस तरीके की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि उनके अंग अवेलेबल हैं और आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यानी जो दावे किए जा रहे हैं वो कानून के हिसाब से भी वाजिब या सही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर ऐसी कोई खबर फैलाता है तो उस पर IT एक्ट 2000 के तहत की धारा 66D और IPC की धारा 420 धोखाधड़ी की जो धारा है 420 के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। हमारी इस पूरी पड़ताल में ये नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि ये दावा झूठ है। ट्रांसप्लांट के लिए किडनी उपलब्ध नहीं है, दिया हुआ नंबर डॉक्टर संदीप गर्ग का है और उनके पास से हमें जो मैसेज मिला है तो वो भी उसमें लिख रहे हैं कि प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए। तो यानी आप भी इस मैसेज को अब इग्नोर करें अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आए, और प्लीज़ डॉक्टर गर्ग को फ़ोन ना करिएगा, जो ये नंबर दिया है उस पर नंबर पे फ़ोन ना करिएगा क्योंकि डॉक्टर गर्ग पहले लिख रहे हैं कि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई है, काफ़ी इसकी परेशानी उन्हें इस वजह से झेलनी पड़ी है और वो भी 2017 से, तकरीबन 2 साल हो गए इस समस्या का सामना करते हुए उन्हें। मेरा नाम रजत है और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करना ना भूलें दी ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप। शुक्रिया।